हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पैतृक गांव में विद्यालय भवन को दिया रेलगाड़ी का आकार। विद्यालय भवन बना आकर्षक केंद्र, दूर दराज से आ रहे हैं देखने को। गांव जीवन कला में राजकीय विद्यालय में काया ही कल्प कर दी गई। विद्यालय भवन का रूप निखार रंग रोगन कर एक दर्शनीय मनमोहक कर दिया। गांव वालों का तांता लगातार बढ़ता जा रहा है, दूर दूर से इसे देखने को आ रहे हैं लोग। इस गांव में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पैतृक गांव है। हाल ही रेल मंत्री पाली का दौरा कर चुके हैं। याद और गांव कई पहचान बनी रहे, इसको लेकर विद्यालय को दिया ट्रेन का आकार। ऐसा लग रहा है जैसे मानो बच्चे ट्रेन में सफर करते पड़ रहे हों। जीवंत कला गांव बना आकर्षक केंद्र। जीवंत कला गांव के विद्यालय का ट्रेन जैसा रूप विद्यालय को मनमोहक बनाने में विभागीय बजट व भामाशाह के सहयोग से ये ट्रेन का रूप दिया गया है। इस विद्यालय में लगभग 200 से ज्यादा छात्र छात्रा पढ़ने के लिए आते हैं। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए शिक्षक इन्होंने ये कहा। हमारे स्थानीय विद्यालय में जो रेलवे लुक लेकर के पेंट किया गया है, इससे स्थानीय विद्यालय को काफ़ी फायदा हुआ। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह का माहौल है और आसपास के जो ग्रामीण जन हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं। साथ ही इसे हमें नामांकन वृद्धि में फायदा होगा और नए संकाय खुलने के भी आशंका रहेगी। सरकार के प्रयास भी रहेंगे, पंचायत भी हमें इसमें आश्वासन कर रहा है, पंचायत भी खुश हो रहा है। तो हम समझते हैं कि ये जो हमारा रेलवे लुक है उससे विद्यालय को अधिक फायदा मिलेगा। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए प्रधानाचार्य इन्होंने ये कहा। विद्यालय में कलर करवाने का हमारा उद्देश्य था कि एक बार विद्यालय को कलर करवाया जाए। फिर स्टाफ साथियों ने विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा सर अन्य विद्यालयों में भी कलर हो रखा है ट्रेन लुक में और एक अलग से एक नवाचार होगा नया, तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर रेल मंत्री जी का भी गांव, तो उस हिसाब से फिर हमने इसको सोच लिया कि हमने इसको ट्रेन लुक दिया। जागरूक टीवी की पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।